हेलो। चलिए आज मैं लेके आई हूँ एक और हिमाचली डिश जिसका नाम है पलदा। मैं बनाऊंगी घिये का पलदा या लौकी का पलदा। ये एक हिमाचली डिश है बट ये एक वेट लॉस डिश भी है, तो मैं आपको बनाना सिखाती हूँ। आप ये किसी भी चीज़ वेजिटेबल का बना सकते हैं, आलू का, गोभी का। मैं घिये का बना रही हूँ, मटर गोभी का, आलू मटर का, किसी का भी बना सकते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है घिया, काट लिया है मैंने। अब मैं इसको डालूंगी एक कुकर में। अब इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा पानी, बहुत थोड़ा सा पानी, पूरा भिगोना नहीं है पानी से। बस ये देखिए मैंने बहुत थोड़ा सा पानी डाला है क्योंकि घिया अपना पानी भी छोड़ेगा। और अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा नमक, बहुत थोड़ा सा नमक डालेंगे अभी। और इसको पकने रख देंगे 3 सीटी तक। चलिए अब ये घिया मैंने बनने रख दिया है, 3 सीटी तक हम इंतज़ार, 3 से 4 सीटी आप लगाइए। और अब हम एक बाउल में ले लेंगे थोड़ा सा दही, अराउंड 2 कटोरी दही लेंगे। इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा पिंक सॉल्ट। ध्यान रखिए हमने घी में भी थोड़ा सा नमक डाला था, तो इसमें थोड़ा कम ही डालिए। और इस दही को हम अच्छे से नमक के साथ बीट कर लेंगे। चलिए ये हमारा दही बीट हो गया है। अब ये दही बीट कर लिया मैंने। ध्यान रखिए दही बिल्कुल रूम टेम्परेचर में आना चाहिए, ठंडा नहीं होना चाहिए। अब हम तैयार करेंगे इसका तड़का। तो इसके लिए एक पैन में थोड़ा सा मैं ले रही हूँ मस्टर्ड ऑयल, आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं। ऑयल गर्म होने तक इसके अंदर मैं डालूँगी थोड़ा सा जीरा, आप साबुत जीरा डाल सकते हैं या जीरा पाउडर। मैं जीरा पाउडर डाल रही हूँ, आप इसमें साबुत जीरा भी डाल सकते हैं। जीरा पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, हल्दी, हल्दी हम इसमें काफ़ी डालेंगे, तकरीबन 1/2 टेबल स्पून हल्दी, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर। इसको पकाएंगे अच्छे से। मैंने एक तेल बहुत थोड़ा सा लिया है क्योंकि मैं इसको एक वेट लॉस डिश की तरह भी यूज़ करती हूँ। आप चाहें तो थोड़ा ज़्यादा ले सकते हैं। आपको बस ये देखना है कि ये दही जो है हमें पकाना नहीं है, इसलिए ये रूम टेम्परेचर में होगा। और घिया मेरा देखिए 4 सीटें आ चुकी हैं, घिया पक के तैयार है, पर हम इसको ठंडा होने का वेट करेंगे। गरम घिया उस दही में नहीं डालेंगे क्योंकि गरम घिया डालते ही हमारा दही फट जाएगा। तो घिया को थोड़ा रूम टेम्परेचर तक आने दीजिए, उसके बाद हम उसको दही में मिक्स करेंगे। तब तक मैं इसमें तैयार कर रही हूँ इसका तड़का। तड़का ऑलमोस्ट रेडी है हमारा। तड़का ध्यान रखिए जले ना। अब ये तड़का तैयार है, ये मैं डालूंगी अपने दही में और इसको भी अच्छे से फेंट लीजिए। अब हमारा घिया बनके तैयार है और ये ठंडा भी हो चुका है। आप देख सकते हैं कि इसमें अभी थोड़ा सा पानी भी है, तो ये पानी भी हम साथ में ही इस दही की ग्रेवी में डालेंगे। तो ये मैं सारा इसके अंदर डाल देती हूँ एक करके। और अब ये मेरा पलदा तैयार है। आप चाहें तो इसके अंदर थोड़ा सा हरा धनिया डाल के सर्व कीजिए। ये बेस्ट खाया जाता है राइस के साथ, तो आप ब्राउन राइस के साथ खा सकते हैं, आप किनुआ के साथ इसको खा सकते हैं, अदरवाइज चपाती के साथ भी खा सकते हैं। आप इसको ट्राई करके देखिए, एक बहुत टेस्टी हिमाचली डिश है। और साथ में ही आप देख सकते हैं इसके अंदर कोई कैलोरीज ज़्यादा नहीं है, तो अगर आप वेट लॉस के लिए आप इसको खाना चाहते हो तो आप इसको लंच में ज़रूर ट्राई कीजिए या डिनर में भी खा सकते हैं इसको। ये एक बहुत टेस्टी डिश है, ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे बताइए आपको कैसी लगी। थैंक यू।